Welcome to our classes. I am Dr. K.K. Misra. This video tutorial is on Current Affairs 2021, Samiki 2021. As we know that current affairs are really very important from different competitive examinations viewpoint like SSC, RRB, Banking etc., सम की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं यहाँ पर इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने अगस्त मंथ की समसामायिकी और हैपनिंग्स इंक्लूड की हुई हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन सपोर्टेड बाई फोर ऑप्शंस जिसमें कि एक ऑप्शन सही होगा जिसका कि एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया हुआ है कम टू द डिटेल्स दिस इज पार्ट एट वन भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व भर में कौन से स्थान पर रहा है ऑप्शन हैं पहले दूसरे तीसरे या चौथे करेक्ट ऑप्शन है चौथे अब देखिए ये क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में खासकर ऊर्जा से संबंधित चाहे वो अच्छे ऊर्जा की बात हो या अन्य अदर ऊर्जा रिसोर्सेज की बात हो उसके बारे में पूछा जा सकता है यहाँ पर अक्षय ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं विश्व में भारत चौथे स्थान पर है जबकि भारत सौर ऊर्जा में पांचवें स्थान पर है और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर देश ने कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता ने 100 गीगावाट का प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहकारी राबो बैंक यूए पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया ऑप्शन दिए हुए हैं वन टू थ्री और फोर करोड़ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली सो करेक्ट ऑप्शन है वन करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सहकारी राबो बैंक यूए पर नियामक अनुपालन में कमियों के लिए एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन बिने, अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया दूसरे पॉइंट पर आते हैं निम्न में से किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोन चिरैया नाम का ब्रांड लॉन्च किया अब ये सोन चिरैया ऐसे भाई कंफ्यूज हो मत होइएगा सोन चिरैया नाम की कुछ और भी पिक्चर वगैरह भी हो सकता है आई हो वैसे मैं आपको बस केवल इंडिकेट कर रहा हूँ सच्चाई तो आप जान ही सकते हैं बहुत सारी पिक्चरें देखते होंगे तो चलिए ऑप्शन का हम पता लगाते हैं सही ऑप्शन क्या है सो so, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बाजार के लिए सोनचिड़िया नाम का ब्रांड और लोगो लॉन्च किया यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगा इनफैक्ट जैसा कि मैं अभी पहले बोला कि इस नाम से शायद पिक्चर भी है और कुछ बुक्स भी इस नाम से हैं खैर वो एक अलग की बात है लेकिन यहाँ पर जिस पर्पज़ के लिए ये यूज किया गया उसको जानना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया सो so, यहां पर करेक्ट ऑप्शन है क्लीन सिटी ऐप अब याद करने की जरूरत है ऐसे कई सारे ऐप्स इसके जरिए बताना चाहूंगा कि कोविड नाइनटीन के दौरान गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी कोविड से संबंधित डिफरेंट ऐप्स लॉन्च किए उसको भी आपको जानना चाहिए यहां पर इसमें क्लीन सिटी ऐप की बात कर रहे हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में निवासियों को उस क्षेत्र में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया इस सुविधा का लाभ सिविल लाइंस जोन जोन और रोहनी जोन के निवासी ले सकते हैं ही में किसने भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की अनुपम कुमार नरेंद्र मोदी हरदीप सिंह पुरी संजय माथुर है करेक्ट ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में भारत की वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपेज नीति लॉन्च की इस नीति को स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम के रूप में भी करार दिया गया यह नीति गतिशीलता में आधुनिकता की यात्रा और परिवहन के बोझ को कम करेगी नेक्स्ट पॉइंट आते हैं निम्न में से कितने पुलिस अधिकारियों को हाल ही में जांच में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया ऑप्शंस हैं ए 50 बी 120 सी 152 और डी 251 करेक्ट ऑप्शन इज सी 152 देश के 152 पुलिस अधिकारियों को देश में अपराध की जांच के अपने उच्च पेशेवर मानकों के लिए जांच में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया इन पदक से सम्मानित किए जाने वाली सूची में 28 महिला पुरुषकर्मी भी शामिल नेक्स्ट पॉइंट आते हैं भारत के कितने और आर्द्र भूमियों को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के लिए रूप में मान्यता दी ऑप्शन है वन टू थ्री और फोर सो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर चार रामसर सचिवालय इनफैक्ट इट इज रिलेटेड टू वेट लैंड और ये इंटरनेशनल एक वेट uh, लैंड है बेसिकली जिसको कि हम रामसर कन्वेंशन uh, के भी नाम से जानते हैं जहाँ पर कि वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करना है इंटरनेशनली सो so, अभी इंडिया से भी चार और वेट लैंड को रामसर सचिवालय से रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है यह स्थल जानने की जरूरत है ये इनफैक्ट जीके और आपका करंट अफेयर दोनों हो सकता है थोल वाधवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडवास में स्थित है इस साथ ही भारत में अब रामथर रामसर स्थलों की संख्या यानी कि वेटलैंड्स की संख्या फोर्टी हो गई है नेक्स्ट पॉइंट आते हैं भारत और किस राज्य के शोधकर्ताओं के मुताबिक भारत की पुरानी बीमारी ने बोझ ने के बोझ ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया ए लंडन बी दुबई सी कैलिफोर्निया डी टेक्सास नेक्स्ट करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है कैलिफोर्निया भारत और कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने के मुताबिक इनफैक्ट भारत की पुरानी बीमारी मधुमेह और उच्च रक्त रक्तचाप जैसी बीमारियों ने कोविड लहर को बढ़ावा दिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में समृद्ध जीवन शैली उन्हें मधुमेह और हृदय रोग जैसी बीमारियों के प्रति संवेदनशील नेक्स्ट पॉइंट इनमें से कौन सा ऐप विश्वभर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया ए फेसबुक बी टिकटॉक, सी ट्विटर डी गूगल तो करेक्ट ऑप्शन इज टिकटॉक। निक्की एशिया एक बिजनेस जर्नल है जिसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक ऐप विश्वभर में सबसे अधिक बार डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया टिकटॉक ने डाउनलोडिंग के मामले में फेसबुक ऐप को भी पीछे छोड़ दिया अदरवाइज अभी दो साल पहले इनफैक्ट फेसबुक ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप था फिर दूसरे नंबर पर है व्हाट्सएप तीसरे नंबर पर इंस्टाग्राम चौथे नंबर पर नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिसकर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया सो so यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 1380 थाउजेंड थ्री हंड्रेड एट्टी पुलिसकर्मियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हाल ही में 1380 सौ अस्सी पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया जिसमें कि सौ वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश में जम्मू और कश्मीर पुलिस को एक PPMG और मरणो को एक PPMG से सम्मानित किया निम्न में से किस एयरलाइन कंपनी को ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पांच वर्ष तक फ्री हवाई सफर करने की घोषणा की गो फर्स्ट एयरलाइन कंपनी ओलंपिक में पदक में जीतने वाले खिलाड़ियों को पांच वर्ष तक फ्री हवाई सफर देने की घोषणा की 2020 में भारत में जीते हैं से एक गोल्ड दो सिल्वर और चार ब्रॉन्ज मेडल है नेक्स्ट पॉइंट इनमें से किस राज्य ने वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सो so ऑब्वियसली अगर अभियान से देखें सो so उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को उत्तराखंड राज्य की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गौबा को 2019 में दो साल के लिए देश का शीर्ष नौकरशाह नियुक्त किया गया अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा को किस राज्य का अतिरिक्त कार्यभार प्रभार इनफैक्ट दिया गया उस समय के लिए जब ये हुआ मिजोरम का इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा को हाल ही में मिजोरम राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया उन्होंने वर्ष 1993 में अमृतसर से हाईजैक हुए विमान से बिना किसी हानि के 124 यात्रियों को सकुशल बचाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया तो शायद सबको पता होगा तो करेक्ट ऑप्शन इज सी आठवीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार आठवीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया साथ ही ध्वजारोहण के समय थल सेना वायु सेना नौसेना और दिल्ली पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों ने राष्ट्र सैल्यूट किया उन्होंने इस अवसर पर नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी घोषणा नेक्स्ट आते हैं फिफ्टीन पॉइंट निम्न में से किस क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया बांग्लादेश क्रिकेट टीम बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी साकिब अल हसन अब ये साकिब अल हसन नाम जरूर दिमाग में रखना चाहिए दैट ही इज दिस नेम इज इन फैक्ट एसोसिएटेड विद बांग्लादेश रिलेटेड टू क्रिकेट को आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑस्ट्रेलिया के मिशन मार्स और वेस्टइंडीज को हेडन वेल्स जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता सिक्स ब्रिटिश कंपनी हाउस ए फ्रेश की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा था ए न्यूजीलैंड बी इंग्लैंड सी ऑस्ट्रेलिया और डी बांग्लादेश सो करेक्ट ऑप्शन इज बांग्लादेश ब्रिटिश कंपनी हाउस ए फ्रेश द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व भर में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश था जबकि दूसरे स्थान पर पाकिस्तान और तीसरे स्थान पर भारत चौथे पायदान पर मंगोलिया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार 50 सबसे प्रदूषित शहरों में उनचास शहर सिर्फ बांग्लादेश चीन पाकिस्तान और भारत से हैं। हैंजिटेटोरियम आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो यदि आपको पसंद आया आप जरूर लाइक सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच लक